सर आज हरिमंदर साहब मत्था टेकने आए, क्या कहना चाहते हैं? मत्था टेकने आए भाई, सरकार को सद्बुद्धि दे बाबा के आशीर्वाद से, और ये कि सरकारों को भी चिट्ठी लिख रहे जो बाढ़ आई है, जो नुकसान हुआ है फसलों का, आगे इस तरह की त्रापति ना आए, तो मंदिरों में गुरुद्वारों में उसमें यही अरदास करते हैं कि ऊपरले वाला इन सब चीज़ों से दूर रखे। 75 साल हो गए आज़ादी के, किसान अभी भी अपने आप को गुलामी महसूस करते हैं, उनकी आए दिन देखो आंदोलन करते रहेंगे, संगठन मजबूत रहेगा तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो अगला प्रोग्राम सरकारों का जमीन पे है, ये जमीन में जाएंगे। और ये आंदोलन दिल्ली में आंदोलन चला, गुरुद्वारों का बहुत बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा, जिस तरह से लंगर चले हैं, भंडारे चले हैं हमारे बाबाओं का और उसका, और बड़ी आस्था आज पूरे देश को गुरुद्वारों के साथ में है, उनका लगाव है, और लोग यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आंदोलन चला, जत्थेबंदियाँ हिंदुस्तान की कहीं की भी हो तो गुरुद्वारों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ी है। सर मणिपुर की घटना को कैसे देखते हैं? ये सरकारों की एक बड़ी साजिश है कि आपस में दो समुदाय लड़े, और सरकार जगह जगह उनको लड़वाने का काम कर रही, वो चाहे खाप पंचायत हो या कोई भी चीज़ हो। ठीक है।